गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट सब्जेक्ट ईबीएस। ओके, देन चैप्टर नंबर 8 एयर। ओके, सो यस्टरडे हमने देखा था हमारा एक टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक था हमारा एयर अराउंड अस। सो यस, फोर्थ बुक। ओके, सो पेज नंबर फर्स्ट देन सेकेंड हमने कंप्लीट किया था। फर्स्ट टॉपिक हमने देखा था एयर अराउंड अस मींस क्या है, हवा। हवा कहाँ है? हवा हमारे आस परिसर में, मतलब आजू बाजू हर तरफ है, चारों तरफ है हमारी तरफ हवा, जिससे हम क्या करते हैं? यस, श्वसन करने की क्रिया, श्वसन लेने, श्वास लेने की क्रिया हमसे किससे मिलती है? हमें हमारी हवा से मिलती है, एयर से मिलती है। ओके, सो सेकेंड हमने देखे थे Why do we need air? Means, हवा की जरूरत हमें किस किस चीजों के लिए पड़ती है, हमारी क्या जरूरत है हवा के लिए, ये भी हमने देखा था। फर्स्ट हम एक बार उसको रिवाइज कर लेंगे। ओके, सो एयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल अबाउट ऑल द लिविंग थिंग्स, मीन्स ऑल द लिविंग बींग्स। हमारे लिए हवा उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितने जिसके लिए हम क्या करते हैं, यस जीते हैं, जीवन हमें उसी से मिलता है। ओके, उसकी क्या क्या जरूरत है हमारी लाइफ में हवा की, कह सकते हैं जिस तरह पानी, पानी के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, उसी तरह हवा के बिना, ऑक्सीजन के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। सो ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ, मींस ऑल लिविंग थिंग्स जितने भी हमारे इस पृथ्वी पे, हमारे यहाँ पे आस परिसर में लोग हैं, जीव जंतु हैं, प्राणी हैं, देखा होगा आपने एनिमल्स, मींस ऑल अबाउट हम सोर्स कह सकते हैं कि जो भी यहाँ पे प्रेजेंट है उन सबके लिए हवा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे जरूरी चीज है। ओके, उसके बिना हम क्या नहीं कर सकते, सरवाइव नहीं कर सकते। एक प्रकार से हम यदि कहा कह सकते हैं कि हम खाना खाए बिना एक दिन या कुछ घंटे भूख के रह सकते हैं, जिस तरह पानी के बिना हम कुछ टाइम तक मीन सरवाइव कर सकते हैं, बट हवा, हवा ऐसी चीज है, ऐसी मीन्स जरूरत है हमारी जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। कैसे? मान लो आपको किसी बंद कमरे में आपको रख दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल ये आपके लिए मैं कह रही हूँ, तो क्या होगा, चारों तरफ से पैक होगा। ओके, रूम की कवरिंग जो है पैक होगी, ना उसमें विंडो होगी, ना डोर होगा, या फिर डोर होकर भी आपको बंद करके रखा जाएगा, तो क्या होगा, आपको सफोकेशन होगा, मीन्स आपको घबराहट होगी, बेचैनी होगी। क्यों होगी? क्योंकि आपको हवा ही मिल नहीं रही है। कैसे नहीं मिल रही है? विंडोज बंद है, डोर बंद है, तो क्या होगा, हवा आने जाने का रास्ता हवा को नहीं मिल रहा है, जिससे आपको क्या होगा, सांस लेने में है ना तकलीफ होगी, काफी प्रॉब्लम होगी, और आप कुछ टाइम के बाद आपका जो एनर्जी लेवल है वो कम होती जाएगा। सो इसीलिए कहा जाता है कि जिस तरह खाना पानी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसी तरह एयर भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सो प्लांट्स नीड एयर टू प्रिपेयर देयर फूड, यस। फॉर नेक्स्ट एग्जांपल जो हमारे पास है वो प्लांट्स, मींस देखा है आपने प्लांट्स को, यस हमारा जो लास्ट सेशन में फर्स्ट सेशन में जो चैप्टर था प्लांट्स, उसमें भी ये सब सारी चीजें आपको बताई गई हैं कि जिस तरह हमें छोटे से बड़ा करने के लिए खाना पानी हमारे शरीर की हर चीजों को बड़ा करने के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसी तरह पेड़ पौधों को भी ग्रो होने के लिए, बड़ा होने के लिए भी पानी और हवा की जरूरत होती है। हवा से क्या होता है, यस हवा और पानी से प्लांट्स को, पेड़ पौधों को ग्रो होने में काफी मदद मिलती है। सो साथ ही साथ पेड़ अपना खाना खुद ही तैयार करते हैं, आपने देखा होगा, यस। तो क्या कह सकते हैं, यदि हमने मान लो पेड़ को एक दिन पानी नहीं दिया, दो दिन पानी नहीं दिया, तो क्या होगा, पेड़ धीरे धीरे सूखने लगेगा, साथ ही साथ उसे हवा नहीं मिलेगी, तो क्या होगा, पेड़ में यस हलचल होना बंद हो जाएगी, जिससे क्या होगा, पेड़ तुरंत ही मर जाएगा। सो कहते हैं ना, पानी और हवा दोनों का होना बहुत जरूरी है। सो एयर इज नीडेड टू मेक फायर, यस। एक और एग्जांपल हमारे पास, हमने देखा था कि आग को बुझाने के लिए भी हवा की जरूरत होती है, साथ ही साथ पानी की भी जरूरत होती है और हवा की भी जरूरत होती है। आग को बुझाने में भी हम हवा का यूज कर सकते हैं और जलाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। देखा होगा बहुत पहले का
सो आप लोग आगे देखोगे इस चैप्टर में कभी ना कभी मिस वो चीज आएगी कि पाषाण युग के जो मानव मनुष्य थे, इंग्लिश में हमने जो रोलिंग वाला चैप्टर देखा उसमें ये चीज बताई गई है कि जो पहले के लोग थे उन लोगों को तो कुछ पता ही नहीं था कि क्या होता है एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज लेके जाना हो तो क्या करते थे, जंगल में शिकार करके जानवर को ले जाना हो तो वो अपने साथ अपने ऊपर उस बोझे को ढोकर लेकर जाते थे। साथ ही साथ देखा होगा आपने कि दो पत्थर ऐसे, वो एक प्रैक्टिकल है आप कभी करके देख सकते हो कि दो पत्थरों को आपस में जब टकराते हैं हम तो एक चिंगारी निकलती है। तो क्या होता था पहले के लोग इसी चीज का यूज करके, इन दो पत्थरों का यूज करके आग तैयार करते थे। तो अभी भी ये चीजें तो खैर हम अभी नहीं देख सकते क्योंकि आजकल तो काफी सारी चीजों का मिस हमने देखा है, न्यू न्यू चीजों का मिस आविष्कार किया गया है। ओके सो एयर हम आगे देखेंगे। एयर इज यूज टू फिल थिंग्स लाइक बलून्स एंड टायर्स। यस, टायर्स को टू व्हीलर्स के टायर्स से उसको चलने के लिए भी हवा का यूज होता है। बलून्स को आसमान में उड़ाने के लिए भी आपने देखा होगा एयर का यूज होता है। देखा है आपने कभी पानी से बलून को भर के उड़ाते हुए देखा है क्या, कौन से बच्चे ने देखा है? यस या नो? शायद किसी बच्चे ने भी देखा होगा कि मोस्टली हम क्या करते हैं, कभी भी बलून को जब हमें फुलाने की जरूरत पड़ती है तो हम मुंह से उसको फुलाते हैं या फिर मशीन के थ्रू उसको एयर उसमें हम पैक करते हैं। देखा है आपने, तो ये भी एक एग्जांपल है हमारा एयर का कि हवा हम उसके अंदर भर के बलून को उड़ा सकते हैं, साथ ही साथ टायर में हम हवा भर के हम क्या करते हैं, यस उसको यूज कर सकते हैं। सो एयर ड्राइज अवर क्लॉथ्स। यस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको आपकी जो डेली नीड्स है, कपड़े हैं, जो हम कपड़े पहनते हैं उससे मॉर्निंग में जब गीले होते हैं मम्मा उसे वॉश करती है, तो क्या करती है उसे धोकर धूप में सुखाने का काम करती है। साथ ही साथ क्यों ऐसा करती है कि धूप और हवा के जरिए हमारे कपड़े जल्द से जल्द सूख जाए। सो ये भी हमारा एग्जाम्पल था। ओके सो नेक्स्ट, एयर हेल्प बर्ड्स काइट्स एंड एरोप्लेन्स टू फ्लाई। देखा है हमने इसके पहले भी, लास्ट हम लोग सेशन हमने आपको लास्ट यस्टरडे जो चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था इसको मैंने आपको रिवाइज करवाया था कि पशु पक्षी भी उड़ने के लिए हवा का यूज करते हैं। ओके साथ ही साथ पतंग को आसमान में उड़ते हुए देखा है, तो पतंग तभी उड़ पाएगी जब आसमान में क्या होगा, यस पूरे आसमान में जोर जोर से हवाएं चलेगी तभी पतंग भी आसमान में उड़ पाएगी, साथ ही साथ पशु पक्षी भी आसमान में उड़ते नजर आएंगे। ओके हाँ ओके, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक था एयर पॉल्यूशन। सो एयर कंटेन्स मैनी गैसेस, सम ऑफ दिस गैसेस हेल्प अस ब्रेथ अलोंग विद दिस। एयर ऑल्सो हैज डस्ट स्मोक एंड जर्म्स, दे मेक द एयर डर्टी, डर्टी एयर इज कॉल्ड पॉल्यूटेड एयर। सो मेकिंग एयर डर्टी इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन। Where to dust, smoke and germs which pollute to air? Okay, so क्या बताया गया है कि gases means air काफी सारी अलग अलग gases से मिलकर बनती है। जैसे कि देखा होगा आपने morning की air जो fresh air होती है वो हमारे health के लिए काफी ज्यादा effective होती है। Means कैसे कहते हैं ना, morning की जो fresh air होती है उससे हमारी body को very energetic करा देता है, जिससे हमारा पूरा दिन क्या होता है वेरी एक्टिव फुल हमें फील करवाता है। साथ ही साथ जब हम मार्केट जाते हैं या फिर आपने देखा होगा काफी सारा मार्केट में रश होता है तो काफी सारी गाड़ियों का आना जाना होता है, टू व्हीलर्स फोर व्हीलर्स ओके ट्रक्स, तो क्या होता है इससे जो निकलने वाला धुआं होता है वो हमारे एटमोसफेयर में फैल जाता है, हमारे हवा में फैल जाता है, जिससे हमारे एटमोसफेयर की जो हवा होती है वो कैसी कहलाती है, दूषित हो जाती है, जिससे काफी सारे लोगों को आपने देखा होगा मींस एलर्जी होती है, डस्ट एलर्जी स्मोक एलर्जी। ओके काफी लोगों को आपने देखा होगा आपका दादा दादी या फिर आजकल तो सारे लोगों को ये एलर्जी होती है कि डस्ट से एलर्जी होती है, अस्थमेटिक का प्रॉब्लम होता है, श्वास लेने में जो कहते हैं उसे तकलीफ होती है। तो ये सब चीजें किससे क्रिएट होती है, यस डस्ट से, जर्म से और स्मोक से। सो व्हाट कॉज एयर पॉल्यूशन, यस जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर टॉपिक है उसमें हमने देखा था एयर बिकम्स डर्टी व्हेन अनवांटेड पार्टिकल्स लाइक डस्ट स्मोक एंड जर्म्स गेट मिक्स्ड विद इट। डस्ट पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल एंड दे सेटल एनीवेयर, दे कैन बी द रोड एज वेल एज द ऑन द टेबल व्हेन एज
met in a big factories in the making of these things. A lot of black smoke and release. The chimneys in the factories release the smoke outside into the air. Is the smoke polluted in the air? When we get sick, we sneeze and cough. The germs inside the body get mixed with the air. Yes, क्या बताया गया है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, yes, कभी भी आपने देखा होगा जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती है, जो कंपनी होती है, वो कभी भी शहर के बीच में नहीं होती, वो आउट ऑफ साइड होती है, मीन्स शहर के बाहर होती है, कॉर्नर साइड में. क्यों बनाई जाती है? कि उसमें से जो निकलने वाला धुआं है वो शहर के लोगों को हार्मफुल ना हो, मीन्स उनमें उनके हेल्थ पे कोई फर्क ना पड़े, लोगों को प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए उनको क्या किया जाता है, शहर के बाहर बनाया जाता है. और साथ ही साथ उसमें से जो निकलने वाला धुआं है तो वो क्या कहलाता है? यस, चिमनी होती है. देखा होगा आपने, आपकी बुक में पिक्चर शो हो रहा है. सो लुक एट दिस पिक्चर. यस, दिख रहा है आपको, बड़ी बड़ी कंपनी है ये, काफी बड़ी कंपनी है, इंडस्ट्रियल एरिया है ये, जिसमें काफी सारे जो बड़ी बड़ी इसे क्या कहा जाता है, जो पोल बने हुए नजर आते हैं, ये क्या होते हैं, ये चिमनी बनी हुई है. दिख रहा है आप लोगों को, ये चिमनी से जो धुआं निकलता है, जो कंपनी में होने वाला वर्क होता है उसका जो धुआं होता है, वो चिमनी के जरिए क्या होता है, वो बाहर चले जाता है, जिससे जो भी प्रॉब्लम्स हो वो साथ ही साथ हवा में उड़ के क्या हो जाती है, अदृश्य होकर बाहर चले जाती है, वो चिमनी से बाहर चले जाती है, जिससे हम लोगों को ज्यादा नुकसान ना हो पाओ. इसीलिए क्या किया जाता है, बड़ी बड़ी चिमनियों को, यस, धुआं ऊपर की ओर जाते हुए नजर आता है. ओके, सो इफेक्ट ऑफ द एयर पॉल्यूशन, पेज नंबर 6. डू यू थिंक वी कैन लिव अ हेल्दी लाइफ इन द एयर वी ब्रेथ इज डर्टी? ओके, क्या कहा गया है, क्या आप समझ सकते हो, क्या आप सोच सकते हो कि हम गंदी जो प्रदूषण है, जैसे मान लो गाड़ी की जो हवा चलती है, जो धुआं वगैरह निकलता है, कि उन सब में क्या हम जीवित रह सकते हैं? यस या नो? यस नो, बिकॉज क्या होता है, हमारी हेल्थ के लिए, यस, ये धुआं काफी ज्यादा प्रदूषित होता है, जिससे हमारी हेल्थ पे फर्क पड़ता है, जिससे खांसी, सर्दी, जो एलर्जी होती बॉडी, जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो हमें जल्दी से क्या कर लेते हैं, हमें, यस, इंजेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को. सो कहते हैं कि हमें हेल्दी रहने के लिए क्या होना जरूरी है, काफी फिट एंड फाइन रहना जरूरी है. सो वी नीड एयर टू ब्रेथ, वी कैन नॉट लिव विदाउट ब्रेथिंग. इफ वी ब्रेथ द डर्टी एयर वी टेक इन डस्ट, स्मोक एंड जर्म्स इनसाइड अवर बॉडी, दे मेक अवर बॉडीज अनहेल्दी. सो ऑल लिविंग बींग्स नीड फ्रेश एयर टू ब्रेथ. यस, क्या कहा गया है, हमारे शरीर को अच्छा रखने के लिए हमें शुद्ध हवा की जरूरत होती है. होती है या नहीं? मान लो आपको प्रदूषित हवा आपके शरीर के अंदर जाएगी तो क्या आपकी बॉडी अच्छे से रह पाएगी? क्या आपकी बॉडी अच्छे से वर्क कर पाएगी? ओके, नहीं कर पाएगी. क्यों नहीं कर पाएगी? क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर सारे जर्म्स, डस्ट, स्मोक, सारे आपके शरीर में जाने के कारण ये आपकी बॉडी क्या हो जाएगी, यस, इंजेक्ट हो जाएगी. मीन्स कैसे, आपको किसी ना किसी बीमारी का आपके शरीर को सामना करना पड़ेगा. जैसे आपको छींक आने लगेगी, आपको खांसी आने लगेगी, आपको सर्दी होगी. तो ये सारी चीजें कब होगी? जब आपके अंदर बाहर की प्रदूषित जो एयर है, जो खराब हवा है, वो आपके शरीर में जाके आपके शरीर को खराब करेगी. इसीलिए कहा जाता है कि अपने आप को स्वस्थ रखो, स्वच्छता रखो. आपके आस परिसर में, आपके आजू बाजू, आपके घर में क्या होना जरूरी है? स्वच्छता रहना जरूरी है, साफ सफाई से रहना जरूरी है, क्योंकि ये सारी चीजें हमारी बॉडी पे काफी ज्यादा इफेक्ट करती है. आपके आजूबाजू का वातावरण अच्छा रहेगा तो आपका भी शरीर अच्छा रहेगा. सो इसीलिए कहते हैं कि आपको फ्रेश एयर की जरूरत है. हम सबको श्वास लेने के लिए, सांस लेने के लिए हमें किसकी जरूरत है? यस, फ्रेश एयर की जरूरत है. सो ब्रीथिंग अनक्लीन एयर मीन्स ब्रीथिंग यदि अनक्लीन रहेगी तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगे? मेक्स अ कफ मीन्स छाती में आपको कफ होने लगेगा. मेक ब्रीथिंग वेरी डिफिकल्ट मीन्स आपको सांस लेने में काफी ज्यादा परेशानी होगी.
makes our eyes itch and burn. हवा से, यदि मान लो आपकी हवा में प्रदूषित हवा आपके आजू बाजू है, डस्ट हो रहा है, आपको स्मोक हो रहा है, मीन्स धूल हो रही है, तो आपकी नोज और आपकी आईज में क्या होने लगेगी? यस, जलन होने लगेगी, नोज में खुजली होने लगेगी, जिससे आपको क्या होगा? अनफिट फील होगा, मीन्स आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, आपकी सेहत में काफी फर्क समझ में आएगा. सो गिव अस अन हेडेक, मीन्स हेडेक होने लगेगा आपको किसी भी प्रकार से. मेक एस इन, मीन्स आपको किसी भी बीमारी का सामना करना पड़ सकता है. क्यों करना पड़ सकता है? कि आपके शरीर को शुद्ध हवा नहीं मिलेगी तो आपको इन सब सारी चीजों का सामना करना पड़ सकता है. सो ये हमारा जो चैप्टर था आज हमने यहाँ कंप्लीट किया, एयर. ओके, ट्रू फॉल्स भी आपको मैंने कंप्लीट करा चुकी हूँ. अगेन ट्राई, लेट्स फोर, इसमें भी ट्रू और फॉल्स है. ओके, देन क्वेश्चन आंसर्स भी है. सो मैं आपको क्या करवाऊंगी, इसे नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूंगी. ओके, क्लियर आउट करूंगी आपको कि और जो हमारे जो सीधी सीधी जो टॉपिक है इसे हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे. बट आज की वीडियो के लिए बस इतना ही है. आप वीडियो को वॉच करो, अच्छे से देखो उसे और उसे समझने की